नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। जौनपुर में चंदवक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, चोरी किए गए सामान को किया बरामद, पुलिस कर रही है फरार आरोपियों की तलाश। बांदा में ब्लॉक प्रमुख बीडीओ पर लगे गंभीर आरोप, सरकारी पैसों को अवैधानिक रूप से निकालने का लगा आरोप, पंचायत सदस्यों ने की दोषियों पर कार्यवाही की मांग। बांदा में पुलिस ने गांजे के साथ आरोपियों को पकड़ा, आरोपी के परिजन ने पुलिस को सौंपा प्रार्थना पत्र, परिजनों ने अपने बेटे को बताया बेकसूर, निष्पक्ष जांच की मांग के लिए सौंपा प्रार्थना पत्र। बांदा में मजदूरों को नहीं मिल रहा मेहनताना, पीड़ित मजदूरों ने एसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र, प्रशासन से की मेहनत का पैसा दिलाने की मांग। जौनपुर की नालियों में लगा गंदगी का अंबार, सफाई कर्मचारी नहीं दे रहे इस ओर ध्यान, ग्राम प्रधान ने भी साधी चुप। मुंगेर में सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं दिव्यांग आमिर उल इस्लाम, जरूरतमंदों को दे रहे हैं भोजन, कंबल और गर्म कपड़े, लोगों ने किया आमिर के जज्बे को सलाम। खेड़ ब्रह्मा में पीएसआई की मानवता ने बच्चों को ठंड से बचाया, गश्त के दौरान बच्चों को पहुंचाई मदद, ठंड से बचाव के लिए दिलाए गर्म स्वेटर। फिल्म निर्माता और निर्देशक कीर्ति कुमार पहुंचे काशी, कीर्ति कुमार ने काशी फिल्म महोत्सव में की शिरकत, लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ किया स्वागत। बांदा में पट्टे की जमीन पर दबंग कर रहे कब्जा पीड़ित महिला ने डीएम से की शिकायत, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। शाहजहांपुर में अल्हागंज थाना पुलिस की कार्यवाही, 4 महीने से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और कारतूस किए बरामद। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी मानवेंद्र सिंह पहुंचे शाहजहांपुर, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत, इस मौके पर कई प्रबुद्ध जन रहे मौजूद। कानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 भूमि अधिग्रहण के मामले ने पकड़ा तूल, भूमि अधिग्रहण की मुआवजा प्रक्रिया हुई शुरू, ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान कर रहे अधिकारी। बेतिया में ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव, नगेंद्र भगत के बेटे सूरज भगत की हत्या को लेकर प्रकट किया रोष, अपराधियों को जल्द सजा देने की उठी मांग। अरावली में ज्वाला रतन सिंह फतेह सिंह बने सरपंच, खडोल ग्राम पंचायत उपचुनाव में 1 साल के लिए नियुक्त हुए सरपंच, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का किया दावा। चित्रकूट में गौशालाओं की हालत है खराब, प्रदेश सरकार के आदेशों की उड़ रही है धज्जियां, जिम्मेदार अधिकारियों ने भी जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। अरावली में मनाया गया सुशासन दिवस, राज्य मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर हुए शामिल, जिले के युवाओं को कार्ड पंजीकरण किए गए वितरित। बांका में टीका लगाओ इनाम पाओ कार्यक्रम जारी, कोरोना के दूसरे डोज के लिए किया जा रहा है प्रेरित, टीका लगवाने वालों में से 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिला इनाम। बहराइच के प्रयागपुर में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम हुआ संपन्न, महत्व को समझाने की रही कोशिश, कार्यक्रम में कई प्रबुद्ध जन रहे मौजूद, शिक्षा के महत्व को समझाया गया। विदिशा में कपड़ा व्यापारियों ने किया विरोध प्रकट, जीएसटी बढ़ाने के विरोध में दुकानों को बंद रखकर प्रदर्शन जारी, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जीएसटी यथावत रखने की उठी मांग। महाराजगंज में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा पहुंची फरेंदा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 437 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, ग्रामवासियों के चेहरों पर दिखी खुशी। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, अगर आप वाकई रहना चाहते हैं अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। We'll be right back.